हेलो एवरीवन तो आई सी के बच्चों के लिए जो दिसंबर 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनका लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया है गाइडेंस को लेकर के कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन सेंटर में ये बच्चों के लिए है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो गाइडलाइंस प्रोसेस सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आपको फॉलो करना है ठीक है एक एक चीज़ बताता चला जा रहा हूँ चीज़ों को सुनते चले जाना समझते चले जाना कैंडिडेट टू चेक रिपोर्टिंग एंट्री टाइम ऑन देंटर एडमिट कार्ड एंड द रीच सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम ओनली टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड द मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग पहला बता रहे आप सब बहुत के बच्चे समझ गए होंगे कि एडमिट कार्ड आपको अपना टाइम पे ले जाना रिपोर्टिंग एकदम टाइम पे करना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है ठीक है फिर कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है जो एग्ज़ामिनेशन देंगे वो कोई भी कोविड नाइन्टीन का सिम्टम्स उनके अंदर नहीं होना चाहिए डिजीज़ जैसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए कैंडिडेट नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू रिपोर्ट ऑन टाइम एक बजे से पहले आपको नहीं आना और आपके फेस पे मास्क पहन के आना है जो भी कोविड नाइनटीन का रूल जो फॉलो करते हैं हम लोग इंडिया में वो फॉलो करना है सैनिटाइजर लेके जाना वो भी बहुत बड़ा नहीं पचास से सौ एम का सैनिटाइज़र लेके जाना हैंड सैनिटाइजर कैंडिडेट विड नॉट बी अलाउड टू कैरी देयर मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं लेकर के जाना है और कोई भी रिटर्न नोट्स तरीका का कुछ भी ऐसा फालतू चीज नहीं लेके जाना है ठीक है नहीं तो आप एग्ज़ाम देने में वहां पर प्रॉब्लम होगा और बैग वैग सारा कुछ बाहर में रख लेगा और सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट जो आपका पाउच होता है जिसमें आप अपना पेन पेंसिल रबर स्केल सारा रखते हो वो ट्रांसपेरेंट लेकर के एंटर करना है ठीक है एट द एंट्रेंस द कैंडिडेट शॉल बी सब्जेक्टेड टू थर्मल टेम्परेचर आपका बॉडी स्कैन किया जाएगा आपका बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा सैनिटाइजर ऑफ हैंड बैग हैंड सैनिटाइजर लेके चलना है कोई बहुत बड़ा सैनिटाइजर लेके नहीं चलना जैसे मैंने पहले बोल चुका है कैंडिडेट्स एंड अदर फंक्शनरीज हैविंग बॉडी

वर्क वहां पर रहेगा आपको ऑफिशियल काम किया जाएगा जब फोटो या फिर कुछ भी तरीका का आपका आइडेंटी प्रूफ आपसे पूछा जाएगा तभी आपको फेस मास्क हटाना है नहीं तो बिना मतलब का आपको फेस मास्क हटा के घूमना नहीं है कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट द रूम इन्विटर हु विल प्रोवाइडेड मास्क टू सच कैंडिडेट अगर किसी कैंडिडेट का नहीं मास्क वहाँ पर है पर मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि अपना मास्क वास्क ले करके जाइएगा नहीं तो वहाँ पर जा कर के लफड़ा हो जाएगा फंस जाओगे अगर नहीं है तो इन्विलेटर के सामने अच्छा से जा कर के मास्क पहन करके रखना है और अगर नहीं होगा तो इन्विटर से बात करिएगा वो इन्विटर आपको मास्क प्रोवाइड करवा भी देगा कैंडिडेट्स ऑल सिक परमिशन हॉल रूम इन्विलेटर फॉर यूज़ वॉशरूम जो भी कैंडिडेट अगर वॉशरूम जाना है कहीं जाना है तो उनको हाँ इन्विटर से पूछ कर जाना बिना मतलब का ऐसे अपने मन से उठ करके नहीं जाना है द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर पर्सनल वाटर बॉटल्स पर्सनल वाटर बॉटल्स लाना है ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉल जैसा कि मैंने बोल दिया छोटा बॉटल लेना ज़्यादा बड़ा बॉटल नहीं लेना ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉपरेट द फॉर आधार एंड कोविड नाइन्टीन एंड गाइडलाइंस ड्यूरिंग द कंडेक्टिव एग्जाम जो भी कोविड नाइन्टीन गाइडलाइंस है वो सबका पालन करना है अपने मन से कुछ भी इधर उधर का सामान उठा करके नहीं छू लेना है किसी भी तरह का अगर गाइडलाइंस को नहीं तोड़ना है ठीक है जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस दिए उनको फॉलो करना है सिंपल सा बात ये कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन पेंसिल स्केल कैलकुलेटर जो सिंपल होता है अपना पेंसिल स्केल लाना ये सब बच्चों वाली बात है जो आप जानते हो गए स्ट्रिक्टली आपको लेकर के जाना है, ठीक है कोई चीज़ छोड़ना नहीं 19 है टोटल नाइनटीन पॉइंट्स है ऑन कंप्लीशन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल परमिटेड टू मूव आउट इन द ऑर्डिनरी मैनर एंड एट दिस टाइम प्लीज़ वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विलेटर एंड डू नॉट गेट फ्रॉम अप सीट अंटिल एडवाइस्ड ठीक है आपका जो कैंडिडेट का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा और आपको बाहर भेजा जाएगा तो दौड़ा दौड़ी नहीं करना है, धक्कम धुक्कम नहीं करना है एक सोशल मिडेंस सोशल डिस्टेंस बना करके आपको बाहर निकलना है जब तक आपका इन्विलेटर जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो जब तक आपको जाने कहीं नहीं बोलेंगे आपको चुपचाप से पैट करके क्लास में रहना है तो ये था बारह पॉइंट और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर देख लेने चाहिए आपकी ही सहायता करेगी एग्ज़ामिनेशन में द ग्लव्स एंड मास्क शुड बी डिस्पॉय एंड पेडल पुश कवर्ड बिन एट द एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड द एग्ज़ामिनेशन रूम हॉल जो आपका ग्लव्स होगा जो भी मास्क अगर आप पहन के आओगे तो उसको आपको डिस्पोज कर देना है हटा देना है फेंक देना है अपने वहीं पर एग्ज़ाम सेंटर में ही घर लेकर के उसको नहीं जाना है ठीक है जो भी ग्लव्स आप लेकर के आओगे या मास्क लेकर के आओगे तो आप उसको लिको फिक्क्ो पेन जैसा होता है वैसा लेकर के आना कि वहीं यूज़ करो और वहीं फेंक दो समझे रिक्वायर्ड डिस्टेंस वही बोल रहा है रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपको मेंटेन करना कैंडिडेट शैल मेक श्योर दैट दे कम टू द सेंटर विल इन टाइम एंड डू नॉट डॉग क्लॉक द आउटसाइड रोड इफ दे आर कमिंग इन देयर ओन व्हीकल विच शुड बी पार्कड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस अगर बच्चे अपने जो टाइम पे हैं बच्चों को आना है और बच्चे अगर अपना व्हीकल लेके आते हैं गाड़ी वोड़ी लेकर के आते, ले आते हैं तो उनको अप्रोप्रिएट सही जगह में पार्क करना है नहीं तो चोरी हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसके लिए सेंटर या कोई भी हेल्प नहीं करेगा ठीक है कीपिंग इन व्यू जनरल कंडीशन द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर पेपर इन टाइम विल बी अलाउड टू एग्जेट एग्जाम सेंटर चार पी एम चार बजे आपका एग्जाम खत्म होगा टाइम पे आपको बाहर निकलने का टाइम मिलेगा वाइल द एडमिट कार्ड विल बी प्रिंटेड ऑनलाइन द कैंडिडेट हैव टू कंसेट टू फॉलो वेरियस गाइडलाइन इश्यू बाय द गवर्नमेंटल अथोराइज ऑल्सो आईसीआई इन केस ऑफ कैंडिडेट इन इज माइनर ही शी अंडरटेक ही शी अपियरिंग इन एग्जामिनेशन विद द कंसेंट एंड परमिशन ऑफ हिज आर हर पेरेंट्स गाइडेंस बाई वे ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्मेड कैंडिडेट्स कैन गेट वेल प्रिंटेड हिज एडमिट कार्ड एंड सबमिट द अंडरटेकिंग ड्यूली साइंड हिज और हर पेरेंट्स गार्जियन एट द रूम एंड एग्जामेशन सेंटर आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर वेयरिंग मास्क ये सब बार बार एक ही चीज़ को बार बार बोला जा रहा है कि मास्क को आज सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर ये सब का ख्याल रखना है जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सी एग्जामिशन मस्ट भी अधेड टू बाई द कैंडिडेट्स जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सी ए एग्जामिनेशन सेंटर्स की तरफ से उनको फॉलो करना है कोई भी चीज़ अपने मन से नहीं करना है अब इनमें से कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होप्स so आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इंग्लिश और हिंदी साउथ के बच्चे को भी समझ में आ गया होगा और इंडिया बच्चे को भी समझ में आ गया होगा जो इंग्लिश नहीं जानते हैं जो हिंदी जानते हैं सिर्फ आई होप आपको समझ में आ गई होगी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर, कर लीजिए मैं ऐसे ही आपके लिए सी एस सी एस सी एम और सी बी एसी से रेलेटेड अपडेट्स नोटिफिकेशन और नई चीजें लाता रहता हूं थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को थैंक यू एवरी